my YouTube family, this is Chabra Sopasan and welcome back to my YouTube channel. So today in this video, I'm going to make मैं बनाने वाली हूँ राजस्थानी कढ़ी. तो राजस्थानी कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन, जो मैंने छान के लगभग एक कटोरी बेसन है ये. इसमें बेसन डालेंगे हम. हमने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया और सीधा कुकिंग स्टार्ट कर दिया आज. ये हमने बेसन डाल दिया है. अब इस बेसन में पहले बाल बांध लेते हैं. बाल बांध लिए. हाँ, इस बेसन में हमने थोड़ा दही जो है, ये एक बोल दही हमने अच्छे से घोट लिया है और उसके बाद इस दही को हमने बेसन में डाल दिया है. ये दही डाल दिया है. अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे. ये है हमारी मसाला दानी. इसमें से हम थोड़े मसाले निकालेंगे, जैसे कि हल्दी, ये हमने हल्दी डाल दिया, लाल मिर्च डाल दिया, थोड़ा हरा धनिया, भुना हुआ जीरा और नमक. और अब इसे अच्छे से करेंगे मिक्स. बिल्कुल भी गुठलियां ना रहे, इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे. कर लिया है. अब हम इसमें डालेंगे पानी. ये ऊपर का. सो ये एक बड़ा कप पानी है. ऐसे मैं लगभग 2.5 कप पानी डालूंगी. तो ये हो गया ए. एक्चुअली 2 कप ही डाल रही हूं. और अब बाहर बैठ के इसे अच्छे से घोटेंगे. तो चलते हैं बाहर, क्योंकि ज्यादा देर तक खड़ा रहना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है. थोड़ा खड़े खड़े मैं थक जाती हूँ. आजकल मेरे पैरों में जो स्वेलिंग रहने लगी है, उसे देखते हुए थोड़ा बैठ जाना बेहतर होगा. ये बहुत ही देसी तरीका है कढ़ी बनाने का और हमारे राजस्थान में इसी तरह से कढ़ी बनती है. तो आज हम बना रहे हैं स्पेशल राजस्थानी कढ़ी. सो अब जो है मेरे हाथ जो है वो दुखने लग गए हैं और मैं थक गई हूँ. पूरा फेस के अंदर ही कैमरा घुसा गया है. थोड़ा सा दूर चली जा. क्या है ना, मैं थोड़ी सी आजकल मोटी हो गई हूँ, तो कैमरा बहुत पास आता है तो मैं और मोटी लगती हूँ. जिसके नहीं, ऐसे मस्ती करते करते खाना बनाते हैं तो खाना भी अमेजिंग बनता है. खाने में वाइब्स अच्छे जाते हैं क्योंकि आप खुश दिल से खाना बना रहे हैं. जब भी आपका खाना खाने के बाद ऐसे मूड खराब हो जाता है और आपको समझ नहीं आता कि आपका मूड खराब क्यों है या अजीब सी फीलिंग आती है, तो पहले ये सोचिए कि खाना किस मूड में बनाया गया है, किसने बनाया है, किस मूड में बनाया है. इसलिए खाना बनाते हुए ना उसमें अच्छे वाइब्स जाने चाहिए. तो आप खुश दिल से खाना बनाइए ताकि जो भी इस खाने को खाएंगे वो खुश खुश रहेंगे. कढ़ाई चढ़ा दी. कढ़ाई के अंदर हम डाल रहे हैं घर का बनाया हुआ घी 2 चम्मच. राई डालेंगे.
सॉरी घी आ चुका है, अभी हमने इसमें राई डाल दिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं एक चम्मच, ये छोटा वाला एक चम्मच हींग, इसे थोड़ा सा हिला देंगे। और अब इसमें हम अपना थोड़ा पीछे भी जा सकती है, अब इसमें जो ये हमने घोल बना रखा है ये घोल डालेंगे। अब एक साइड हम इसको हिलाते रहेंगे और दूसरे साइड हम अपने तड़के की पूरी तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा है, थोड़ा करी पत्ता है, प्याज है और लाल मिर्च है। तो चलिए अब हम एक इसमें हल्का सा उबाल आ जाए उसके बाद हम अपने तड़के की तैयारी करते हैं। ये देखिए इसके हल्का उबाल आने लग गया है, इसमें हमने इसको थोड़ा गर्म कर लिया है। एक साइड में हम अपने तड़के की तैयारी करते हैं। और इसमें डालते हैं एक चम्मच घी, आधा चम्मच और को आने देते हैं, तब तक इसको थोड़ा हिलाते हैं। हमारी जो कढ़ी है ना, इसका कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है और खुशबू तो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही अमेजिंग आ रही है। इधर एक तरफ हमारा घी आ चुका है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। देखिए ये हमने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा है, हमने वो डाल दिया इसमें। थोड़ा सा हम इसमें प्याज डालेंगे, थोड़ा सा जो दूसरा मोटा कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च था वो भी डाल दिया। थोड़े से हम इसमें डालेंगे एक करी पत्ता और इसको करेंगे मिक्स। सो ये जो लाल मिर्च है ये हम थोड़ी डाल चुके हैं, एक और डाल दी है, अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब इस पूरे मिश्रण को हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। हल्का सा हल्दी डालेंगे और हल्का सा नमक। बस एक ये हमारा जो पूरा मिश्रण है ये तैयार हो चुका है और मैंने मिर्ची के हाथ अपने मुंह पे लगा लिए हैं और मुझे अपर लिप पे जलन होने लग गई है, बट दैट्स ओके। अब हम हल्का सा जो कढ़ी का हमारा
इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारी कढ़ी का जो कलर है कितना अच्छा आ रहा है। और हमारी कढ़ी जो है लगभग तैयार हो चुकी है, बस इसको थोड़ा सा उबाल आ जाए, थोड़ी देर हम इसको और गर्म कर लेते हैं। और मेरे अपर लिप पे बहुत जलन लग गई, मैंने लाल मिर्च के हाथ जो है अपने अपर लिप्स पे लगा लिए हैं, तो ये आप लोग कभी मत करिएगा, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। तो इसको थोड़ा हिलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। धनिये का टेस्ट और खुशबू दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, तो हमने इसमें धनिया डाल दिया है। और अब हमारी कढ़ी का कलर और भी ज्यादा अच्छा हो गया है, और हम श्योर टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने एक स्पून ऐसे टेस्ट करके देखा नमक के लिए। इट्स यमी। आप इसे मसालेदार पूरी के साथ खा सकते हैं, आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, और आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। राजीव को राइस के साथ पसंद है और मुझे पराठे के साथ, तो मैं अपने लिए बनवाने वाली हूँ मस्त गर्मा गर्म पराठे, और राजीव के लिए बनेंगे राइस, और वो इसे राइस के साथ एंजॉय करेंगे। ये थी राजस्थानी कढ़ी की रेसिपी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। कर लिया, थैंक यू। So that's it for today. If you really like the video, please share it with your friends and family and do subscribe to my channel.